बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिरोज खान एक ऐसे एक्टर रहे हैं जो अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी बेबाकी के लिए भी जाने गए हैं। फिरोज खान अपने जमाने के फैशन आइकन रहे। बड़े पर्दे पर उनकी अदायगी का हर कोई दीवाना रहा। 60, 70, 80 के दशक के पॉपुलर एक्टर फिरोज खान ने कई हिट फिल्मों में काम किया। बड़े पर्दे पर फिरोज खान और एक्ट्रेस मुमताज की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता था। एक वक्त था जब फिरोज खान मुमताज से बेपनाह प्यार करते थे और उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोनों की लव केमिस्ट्री अधूरी तो रही, लेकिन एक खास रिश्ते में जरूर बन गई। लेकिन इस खास रिश्ते में बनने से पहले दोनों के बीच बोल्ड और इंटीमेट सीन्स भी देखने को मिल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल फिरोज खान को बॉलीवुड का काउबॉय कहा जाता था। 1960 में फिल्म दीदी से फिरोज खान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। यूं तो फिरोज खान और मुमताज की जोड़ी ऑन स्क्रीन पर खूब हिट थी। फिरोज और मुमताज ने साथ में कई फिल्मों में काम किया, साथ ही उनकी रियल लाइफ बॉन्डिंग भी खूब देखने को मिली थी। फिल्म अपराध में मुमताज फिरोज खान की हीरोइन थी। दोनों के बीच की नजदीकियां भी बढ़ी। एक वक्त पर फिरोज खान मुमताज के प्यार में इस कदर गिरफ्त हुए कि वो उनसे शादी तक करने वाले थे, लेकिन उस वक्त वो पहले से शादीशुदा थे और इन दोनों की लव स्टोरी को शादी की मंजिल नहीं मिली। लेकिन ऑन स्क्रीन दोनों की केमिस्ट्री ने जमकर सुर्खियां बटोरी थी। एक्ट्रेस मुमताज गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। उनका अंदाज आज भी लोगों को दीवाना बना देता है। मुमताज ने दो रास्ते, रोटी, आपकी कसम और खिलौना जैसी शानदार फिल्में की हैं। ऐसे में उन्होंने फिल्म अपराध को लेकर अपना किस्सा शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे फिरोज खान ने उन्हें बिकनी पहनने के लिए मनाया था। दरअसल एक्ट्रेस का एक पुराना किस्सा काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूप तेरा मस्ताना गाना करते समय उन्होंने स्विमिंग ड्रेस पहना था, मगर फिरोज खान के फिल्म अपराध के लिए उन्होंने खास तौर से बिकनी पहनी थी। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक्ट्रेस पानी के बीचों बीच बिकनी पहने खड़े हुए नजर आ रही है, तो वहीं एक सीन में एक्ट्रेस फिरोज खान के साथ भी पोज देते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन अपने कर्वी फिगर के चलते एक्ट्रेस बिकनी नहीं पहनना चाहती थी। फिर भी फिरोज खान ने उनसे कहा था कि अगर वो ऐसा करेंगी और उन्हें ये सीन पसंद नहीं आया तो वो इस सीन को हटा भी देंगे। बिकनी पहनने के बाद और शूटिंग करने के बाद जब मुमताज ने सीन को देखा तब एक्ट्रेस बेहद खुश हुई। उन्होंने बताया कि वो सब बहुत ज्यादा सेक्सी लग रही थी, इसलिए उन्होंने इस सीन को कट करने से मना कर दिया। आपको बता दें कि बॉलीवुड में बिकनी का दौर काफी पुराना रहा है। हालांकि उन दिनों कम ही एक्ट्रेस खुद को बिकनी में कंफर्ट कर पाती थी, इसलिए उन दिनों मुमताज की एक अलग ही पहचान बॉलीवुड में बन गई थी। बॉलीवुड में बिकनी सीन की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेसेस में से एक मुमताज का नाम भी शामिल है। लेकिन शुरुआत में एक्ट्रेस बिकनी पहनने में अनकम्फर्टेबल फील करती थी। एक्ट्रेस के फिल्मी करियर की बात करें तो 60 के दशक में मुमताज ने फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने शुरू कर दिए थे। उन्हें यकीन था कि एक दिन उनकी किस्मत जरूर बदलेगी। बॉलीवुड में स्टार दारा सिंह की एंट्री हुई थी। मुमताज ने एक दो नहीं बल्कि उनके साथ 16 फिल्मों में काम किया। 16 में से 10 फिल्में उनकी हिट हुई और मुमताज टॉप की अभिनेत्री बन गई। वहीं मुमताज की जिंदगी में एक बुरा दिन भी आया जब मालूम हुआ कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन जल्दी ही उनका कैंसर का इलाज शुरू हुआ और कीमोथेरेपी की वजह से मुमताज की हालत ज्यादा खराब हो गई। उनके सारे बाल झड़ चुके थे। इतना ही नहीं, उनकी पलकों और बूहों के बाल भी नहीं बचे थे। वो घर से बाहर निकलने में डरने लगी थी। आखिरकार एक्ट्रेस ने ये जंग जीती। फिलहाल अब मुमताज एकदम स्वस्थ है और वो मुंबई से दूर लंदन में रह रही हैं। वेल दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको एक्ट्रेस मुमताज का ये बिकनी अवतार कैसा लगा और साथ ही आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई या नहीं। आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी इसी तरीके की चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।